नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज चैनल में। तो एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। एक बार फिर आतंकियों ने आतंक मचाया है जम्मू में, जिसे हमारे बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए नाकाम कर दिया है। वहीं सतना के लाल ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमदरा थाना क्षेत्र के नौगवा निवासी शंकर प्रसाद पटेल सुबह 4:30 बजे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गोलीबारी के दौरान शहीद हो गए हैं। उनके साथ 10 से 12 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि शंकर प्रसाद पटेल के ऊपर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंक दिया था, जिससे शंकर प्रसाद पटेल घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बस 2 दिन पहले ही एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों के जवानों ने नाकाम कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि ये मामला जम्मू से सुजवा और चड्ढा आर्मी कैंप के पास का है, जहां सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। इसके बाद शुरू हुए एनकाउंटर अभियान में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। वहीं CISF का एक ASI शंकर प्रसाद पटेल जी, जो कि नौगवा सतना जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इस एनकाउंटर में शहीद हो गए और इस घटना में लगभग 10 से 12 जवान घायल भी हुए हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।